युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 50वीं पुण्यतिथि एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 5वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत भारत की सनातन संस्कृति में गौ सेवा का महत्व संगोष्ठी का आयोजन गोरखनाथ मंदिर में स्मृति सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आरएल आश्रय प्रयागराज के पधारे स्वामी गोपाल दास ने कहा कि धर्म रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, आर्थिक लाभ और पर्यावरण की दृष्टि से गौ तथा गौ वंश का संरक्षण एवं संवर्धन आवश्यक है। हमारे वैदिक ग्रंथों में लेकर पौराणिक ग्रंथों तक गाय की महिमा गाई गई है। गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध के लिए जन जागरण एवं आंदोलन चलाए गए। मुख्य अतिथि ने कहा कि गौमूत्र, गौ दूध, गोबर, गौ घृत आदि के बिना पंचामृत एवं यज्ञ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। गौ माता हमारी यज्ञ संस्कृति की प्रतीक है। ये हमारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन की धुरी है। भारत का बोध वाक्य रहा, भारत देश से नाता है, गौ हमारी माता है। ऐसे देश में गौवंश की हत्या महापाप है। गौ धन की रक्षा का संकल्प देश की वर्तमान आवश्यकता है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा कि जिस गौ को हम माता मानते हैं, कृषि प्रधान देश में हमारी आर्थिक संरचना की जो रीढ़ है, उसी गौवंश का अस्तित्व ही जिस प्रकार आज हमारे खतरे में है, भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। गौ माता की सेवा के बगैर लोक परलोक दोनों जीवन अधूरा है। गौ माता सनातन अस्मिता की प्रतीक है। समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश गौ रक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम नंदन, उपाध्यक्ष अतुल सिंह, दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास महाराज, महंत शिवनाथ, महंत शांतिनाथ, महंत गंगा दास, महंत मिथिलेश नाथ, महंत रविंद्र दास, महंत राम मिलन दास, महंत पंचानन पुरी, योगी कमलनाथ सहित देश भर से आए संत महात्मा एवं प्रबुद्ध जन तथा विभिन्न स्कूलों के छात्र व शिक्षक मौजूद रहे। You don't know how to do it.